हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए हम कर रहे हैं नाश्ता। अम्मी ने बनाया है पराठा। मॉर्निंग टाइम है तो चलो थोड़ी सफाई कर लेते हैं। बट ये मैं नहीं कर रही, मेरी भाभी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी ज़िंदगी में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, अल्लाह आपकी हर परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह आप सबको नेक तौफीक नेक हिदायत दे और आप साथ साथ अल्लाह मुझे भी नेक हिदायत दे, मेरी मुश्किलों को भी आसान फरमाए, जो सफ़र में उन्हें खैरियत से रखे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। ए अल्लाह, तो जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, हमसे जो भी गलती हमारी खताओं को माफ़ फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए फ्रेंड्स, ये सूट आए हैं सिलाई करने के लिए। ये है और ये इसका टॉप है, सी के देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका नेक का डिज़ाइन कितना छोटा आया है। अगर कट करके बनाएंगे तो गला कितना छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका फ़ोटो ले लिया है ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि गला क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे राउंड में इस तरह लेना पड़ेगा। बाद में इस तरीके से लूँगी जब जाके जो साइज़ गले का होता है वो बराबर आएगा। इसलिए मैंने इसका वीडियो भी ले लिया है और फ़ोटो भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हमें जाना है थोड़ा बाहर, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको हमारा गांव कैसा है कैसा नहीं है। आई होप कि मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि बाहर निकल के शूट करना इतना आसान नहीं होता। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको मैं दिखा सकूँ। मुझे एक ज्वेलर्स की दुकान पे जाना है और काफ़ी काम है, देखते हैं जो जो हो सकता है वो कर लेंगे। तो निकलते हैं जाने के लिए, मैं बुरखा पहन लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं बाहर मार्केट में। मैंने पहन लिया है बुरखा। तो फ्रेंड्स, निकलते हैं बाहर, थोड़ा काम है और काम करके आ जाते हैं। निकल चुके हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम मार्केट में और मुझे जाना है ज्वेलर्स में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ज्वेलर की शॉप पर। यहाँ काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं। मुझे छोटे छोटे कान के इयररिंग लेने हैं जो कि मेरे बजट में हो। काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, मैंने अपने कुछ पुराने ज्वेलरी थी वो तोड़ दिए, उसे देकर उसमें पैसे थोड़े डाल के और ये लेना है मुझे, क्योंकि मेरे पास नहीं है कुछ भी पहनने के लिए। अच्छा नहीं लगता, खाली कान अच्छे नहीं लगते। सोचा कुछ ले लेती हूँ, बट इनके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि मेरे लिए इतने आसान नहीं है। क्योंकि मैंने जो मतलब मेरे पास छोटा सा एक पैंडल था और वो मैंने यहाँ देकर उसमें पैसे ऐड करके मैं लेना चाहती हूँ, तो वो बहुत कम पैसों में गया है, तकरीबन 7,300 में। और ये जो देख रही हूँ वो तकरीबन कोई 12,000 के हैं, कोई 13,000 के हैं, कोई 11,000 के हैं। ये जो हैं तो ये 11,400 के हैं। डिज़ाइन अच्छी है बट मुझे ये नीचे जो लटकन टाइप है वो मुझे नहीं लेना है, मुझे एकदम सिंपल चाहिए। और जो सिंपल है तो वो थोड़े हाई रेंज के, मतलब 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसमें। वो 13,770 के हैं। जिस टाइम मैंने पैसे जमा करा था उस टाइम 50,000 का भाव चल रहा था, तो इन्होंने कहा था कि मुझे वही रेंज में देंगे। बट ये मैंने उस टाइम पूछा था उनसे कि 2.5 ग्राम के कितने में आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था 12.5 तक आ जाएंगे, लेकिन अभी ये मुझे 13,000 की बता रही हैं, 13,770 के।
तो हम आए हैं शॉप में, कॉस्मेटिक्स की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ। और ये शॉप मेरे भाई की है, मतलब मेरी फ्रेंड का भाई, समझ लो मेरा भी भाई। ये जनाब हो, सलाम कर दो भाई। सलाम वालेकुम। सलाम, अभी फ़िलहाल मैं ही जवाब दे देती हूँ। तो कुछ ऐसी शॉप है इनकी, तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम घर जा रहे हैं, जो काम था वो हो चुका है। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स जब हम घर आए तो बच्चे पढ़ने आ चुके थे और मुझे थोड़ी गले में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तकलीफ़ है, बस इसी तरह करना पड़ रहा है क्योंकि सर्दियों की वजह से मेरे गले में तकलीफ़ है। चलो ठीक है, बच्चों को पहले पढ़ा देते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।